हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, बड़ा बड़ा सा वाटरमेलन और इसको कट करने हम जा रहे हैं सुबह ही सुबह। और बजे हैं इस समय 10। तो बच्चों का मन कर रहा है वाटरमेलन चाट खाने का, तो फटाफट हम वाटरमेलन चाट बना लेते हैं बच्चों के लिए। देखिए कितना यम्मी और रेड रेड वाटरमेलन लग रहा है। और जब मैंने वहाँ से इसको खरीदा था, तभी मैंने वहाँ पे हल्का सा कट करा के देख लिया था कि ये रेड है कि नहीं रेड है। तो देखिए, ये बहुत ही रेड है और खाने में बहुत ही मीठा है। तो वाटरमेलन, मास्क मेलन, पपाया, ये सब हमको ज़रूर खाने चाहिए गर्मियों में। तो देखिए, वाटरमेलन हम कट कर रहे हैं और बच्चों के लिए बनाएंगे चाट। तो आप भी देखिए कैसे बनती है वाटरमेलन चाट, और आप भी अपने बच्चों के लिए वाटरमेलन चाट बनाइए। तो हमने 3 स्लाइस कट कर लिए हैं। अब इसमें से हम बीज निकाल लेंगे और इसका छिलका अलग कर लेंगे, और सिर्फ जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसके स्लाइस कर लेंगे। तो किसको किसको देख के खाने का मन कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह वाटरमेलन खाना, लेकिन आज हम अपने लिए बनाएंगे चना चाट और बच्चों के लिए बनाएंगे वाटरमेलन चाट, क्योंकि आज मेरा चना चाट खाने का मन कर रहा है। तो मैं अभी दूसरी रेसिपी आपको चना चाट भी बना के दिखाऊँगी, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और यम्मी रेसिपी। अब इसमें थोड़ा सा नमक कौन सा, काला नमक, और थोड़ा सा हल्का सा इसी के साथ चाट मसाला भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें रखेंगे फॉक और मस्त खाएंगे बच्चों वाटरमेलन चाट। चलिए अब हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं चना चाट के लिए। तो मैंने पुदीना, धनिया धुल के लिया है। अब मैं इस मिक्सी के जार में पुदीना, धनिया, मिर्ची सब डाल दूँगी, और डाल दूंगी आम के स्लाइस। आम हल्के से मीठे हो गए यानी पक गए हैं, और ये पुदीना और मिर्ची, हरी मिर्ची, साथ में 2 मैंने सूखी मिर्ची लाल वाली भी डाल दी है, और ये सूखी धनिया, ये भी चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब चलिए बंद करते हैं जार और बना लेते हैं चटनी। तो चटनी हमारी बन गई है, फटाफट हम इसको निकालते हैं प्लेट या कटोरी में। देखिए कितनी मस्त लग रही है, बस अभी से ही चटनी खाने का मन करने लगा है, खट्टी खट्टी, और इसकी स्मेल तो बस पूछिए नहीं। पुदीना की स्मेल बिल्कुल नाक में स्मेल कर रही है। तो अब ये बन गई है, अब चना की तैयारी करते हैं। तो इधर मैंने चना धुल के ले लिया है, और इसमें नींबू, प्याज, मिर्ची, खीरा, टमाटर सब कट करके ले लिया है। अब इधर हम बाउल में डालेंगे चने को। ये हमारे पास भीगे हुए चने हैं जो मैंने रात को भिगाया था, और इसमें खीरा, खीरा का छिलका मैंने निकाल लिया है क्योंकि चाट में खीरे का छिलका निकाल के ही अच्छा लगता है, और इसमें प्याज और मिर्ची, और ये हमारे पास टमाटर, अब डालेंगे हम यही मस्त वाली खट्टी मीठी चटनी जो चने के चाट को और भी टेस्टी बना देगा, और ये डाल देंगे इसमें नींबू। तो क्या कहने फिर चने चाट के। तो जिसको खाना है, जिसको पसंद है, तो प्लीज़ हमारे घर आइए और आप भी चना चाट खाइए। और डाल दिया इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो बन गई है यम्मी यम्मी हमारी चना चाट, बच्चों के लिए वाटरमेलन चाट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी।